शुक्रवार को करें ये 6 उपाय, माँ लक्ष्मी खोल देगी उन्नति के मार्ग, धन दौलत से भर जाएगा घर। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। यह दिन शुक्र ग्रह को भी समर्पित होता है। मान्यताओं के अनुसार जिस घर में माँ लक्ष्मी वास करती है, जिनके ऊपर अपनी कृपा बरसाती है, उस घर में सदा धन धान्य सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही कार्यों में सफलता की प्राप्ति भी होती है। लक्ष्मी माँ धन की देवी कहलाती है। वहीं शुक्र ग्रह को भौतिक सुखों धन संपदा का कारक माना जाता है। यदि आप लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, आर्थिक तंगी दूर कर सुख समृद्धि चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा व्रत शुक्रवार के दिन जरूर करें। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिन्हें करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बनाए रखती है और इसके साथ ही कई समस्या और परेशानियों से छुटकारा भी मिल सकता है। आइए जानते हैं इन 6 आसान उपाय के बारे में जो सभी परेशानियां दूर कर देंगे। नंबर 1, यदि आपको अपनी आर्थिक तंगी दूर करनी है तो अपने घर 3 कन्या को बुलाए, उन्हें खीर बनाकर खिलाए, पीले रंग का वस्त्र दान करें और दक्षिणा देकर विदा करें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपना आशीर्वाद देती है। नंबर 2, माँ लक्ष्मी का पसंदीदा फूल है कमल। सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें और कमल फूल उनके चरणों में चढ़ाएं। कमल का फूल घर के बुरे और नेगेटिव शक्तियों को दूर करता है। घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, तरक्की के रास्ते खुलते हैं। कमल के पुष्प से पूजा करने से घर अनधन से भरा रहता है। नंबर 3, शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति काली चींटी को खाने के लिए देता है उसके रुके हुए सभी कार्य पूरे होने लगते हैं। अगर आपका भी कोई काम कई दिनों से अटका पड़ा है तो आप लगातार 11 शुक्रवार को काली चींटियों को चीनी के दाने डाल दें, ऐसा करना बेहद शुभ होता है। नंबर 4, आर्थिक तंगी है, घर में रुपए पैसे का आगमन नियमित रूप से नहीं हो रहा है तो आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के साथ गणेश भगवान की पूजा आराधना करें। लक्ष्मी जी को कमल के पुष्प, खीर, मखाना, बताशे, गुलाब, शंख आदि चढ़ाएं। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आशीष देती है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होने लगती है। नंबर 5, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से धन की कमी दूर होती है, जीवन में खुशियाँ आती है। साथ ही शाम के समय घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस समय घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करती है। ऐसा माना जाता है कि शाम के समय घर में अंधेरा रखने से नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है, इससे माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश किए बिना ही लौट सकती है। 5 बजे शाम से ही घर के हर कोने में रोशनी कर देनी चाहिए। नंबर 6, ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय गाय को रोटी में गुड़ डालकर खिलाना चाहिए, ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। जिंदगी में आर्थिक तंगी की समस्याएं नहीं झेलनी पड़ेगी। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। जय माँ लक्ष्मी।